अगली खबर, देश में मीडिया और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कई कदम उठा रहा है। इस बारे में और जानकारी के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शिशिर सेलर ने। भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस वक्त अगर देखा जाए तो सूचना प्रसारण मंत्रालय कई कदम उठा रहा है, लेकिन इस कड़ी में कितना उसका प्रभावशाली उपयोग होगा ये जानने के लिए हमारे साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय अपूर्व चंद्र जी है। सबसे पहली बात तो आपने आज ने कहा कि सरकार जो है कई कदम उठा रही है कि ज्यादातर जीडीपी बढ़े इस इंडस्ट्री का, क्या कदम होंगे वो? मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बड़े प्रभाव उसके ऊपर बड़ा कोविड का रहा और उसमें जो है लोग थिएटर्स में जाना कम हुआ, परंतु हमने ये देखा कि जो है जो कंटेंट है, कंटेंट क्रिएशन पिछले दो वर्ष में बढ़ा ही है, क्योंकि जो है लोगों ने थिएटर्स की जगह चाहे ओटीटी पे देखना शुरू किया, पर भारत में कंटेंट का प्रभुत्व बढ़ा है। फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस जो एनओबीसी में है उसका हम प्रारूप थोड़ा बदलना चाहते हैं और इन्वेस्ट इंडिया के साथ हम पार्टनरशिप करेंगे। इन्वेस्ट इंडिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में शुरू किया था, भारत में उद्योग को आकर्षित करने के लिए, और उसमें उन्हें बहुत सक्सेसफुल मिली है। इस वर्ष हमारा एफडीआई $100 बिलियन से अधिक होगा, जो कि एक रिकॉर्ड है। हम ये चाहते हैं कि इसी तरह की सक्सेस हमें मीडिया एंटरटेनमेंट में भी मिले, तो इसलिए हम इन्वेस्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेंगे जिससे कि हमारे को प्रोडक्शन टीटी बढ़े और बाहर के लोगों को हम आकर्षित कर सकें। इस संबंध में एक इंसेंटिव पॉलिसी हमने अनाउंस करी थी अभी जून में, कांस में माननीय मंत्री जी ने अनाउंस करी थी, तो उस पॉलिसी के अंतर्गत हमें अपेक्षा है कि बहुत लोग यहां पर आएंगे और नई फिल्में बनाएंगे, साथ ही यूनीजीसी को भी उसमें प्रमोशन मिलेगा। वाला आपने जिस प्रकार से कहा कि इंडस्ट्री जो चाहती है कि जिस प्रकार सिनेमेटोग्राफ उसमें अमेंडमेंट हो, सरकार इस पर कार्य कर रही है, आपने ये भी कहा कि आने वाले विंटर सेशन में वो एक्ट जो है शायद टेबल किया जाएगा, क्या उसमें प्रावधान होंगे, किस प्रकार से इंडस्ट्री को फायदा होगा इसका? सिनेमेटोग्राफ एक्ट की चर्चा कई दिनों से चालू है, पर कल मेरी एक उद्योग जगत से यहाँ के फिल्म उद्योग से बैठक हुई थी, उसमें हमने उसके जो प्रमुख प्रावधान है उस पर चर्चा करी और मुझे हर्ष है कि उद्योग ने उसका वेलकम किया और सराहना करी, और अब मुझे लगता है क्योंकि उद्योग और सरकार दोनों एक ही उस पे हैं, तो जो है हम इसको जल्दी ही इसको आगे ले जा पाएंगे। जैसे इसमें पहली बार प्रावधान लाया जाएगा एंटी पायरेसी का, जो कि आज तक इसमें सिनेमेटोग्राफ एक्ट में प्रावधान नहीं है, साथ ही यूए के अंदर एज अप्रोप्रिएट कैटेगरी इस तरह के प्रावधान लाने का इसमें प्रस्ताव है।